भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन अगर दान में आए सिक्के मुसीबत बन जाए। देश के अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साईं बाबा मंदिर अब दान में आए सिक्कों से परेशान हो गया है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की 13 बैंकों ने 4 करोड़ रुपए के सिक्के लेने से मना कर दिया है, जिसके बाद अब मंदिर इन सिक्कों को लेकर कहां जाए उसे ये समझ नहीं आ रहा। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। सिक्के आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी अहमियत रखते हैं। गुल्लक हो या फिर दान, हर जगह सिक्कों का इस्तेमाल होता है। दुकानों के गल्ले जेबों में खनकने वाले सिक्के अब बोझ बनते जा रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के दान में आए 4 करोड़ के सिक्कों को बैंक ने लेने से मना कर दिया है। बैंकों का कहना है कि पहले से ही उनके पास मंदिर ट्रस्ट 11 करोड़ के सिक्के जमा है, बाकी सिक्कों को रखने के लिए उनके पास जगह और इंतजाम नहीं है। इस पर मंदिर ट्रस्ट के सीईओ राहुल यादव ने बताया कि शिरडी में बैंकों ने जगह की कमी के कारण सिक्के लेना बंद कर दिया है, जो मंदिर ट्रस्ट के लिए बड़ी समस्या है, और इससे निपटने के लिए कई बैंकों में अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं ताकि वहां सिक्के जमा किए जा सके। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को भी पत्र लिखा है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हर हफ्ते 14 लाख के सिक्के आते हैं। इस हिसाब से हर महीने 56 लाख रुपए सिक्के इकट्ठा होते हैं। अगर इसी को साल में कन्वर्ट किया जाए तो ये सिक्के 4 करोड़ रुपए के करीब पहुंचते हैं। मान लीजिए कि मंदिर के दान में आए 4 करोड़ के सिक्के केवल 1 रुपए के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के का साइज 22 mm का होता है। अगर 4 करोड़ सिक्कों को एक लाइन में बिछाया जाए तो इस हिसाब से आप दिल्ली से बनारस तक की दूरी यानी कि 880 किलोमीटर तक इन सिक्कों को बिछा सकेंगे। अगर इन सिक्कों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो 10x10 का कमरा पूरी तरह से फुल हो जाएगा। अगर आप इन सिक्कों के वजन के बारे में सोच रहे हैं तो 1 रुपए के सिक्के का वजन 4 ग्राम होता है। इस हिसाब से 4 करोड़ सिक्कों का वजन 1,60,000 किलो होगा। इतना वजन रखने के लिए मजबूत लोहे जैसे छत या फिर जमीन होना जरूरी है। अगर इस माने लीजिए तो 10 और 5 के सिक्के भी शामिल कर लिए जाएं तो ये वजन और भी बढ़ जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक 167,77,01,027 रुपए दान पेटी में आए। दान काउंटर पर कटवाई जाने वाली रसीदों से 74,03,26,464 रुपए आए। ऑनलाइन पेमेंट मनी ऑर्डर चेक से 144,45,22,497 रुपए की राशि दान के रूप में मिली, जिसमें सोने चांदी और आभूषण का मूल्य भी शामिल है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि सिक्कों को जमा करने को लेकर RBI की गाइडलाइन क्या कहती है। बैंक खातों में सिक्कों को जमा करने को लेकर RBI अपनी गाइडलाइन में कहता है कि बैंकों में ग्राहक कितने भी सिक्के जमा कर सकता है, इसके लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है कि आप सिक्के के रूप में कितनी भी राशि अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास लाखों करोड़ रुपए के सिक्के भी हैं तो भी आप इसे अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बैंक सिक्के लेने से मना कर देता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। शिरडी के साईं मंदिर में चढ़ाए जाने वाले इस दान का इस्तेमाल मंदिर ट्रस्ट जनहित के कामों में करता है। मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह के अलावा ट्रस्ट की तरफ से अस्पताल और एजुकेशन संस्थान चलाया जाता है, जिसका पूरा खर्च ट्रस्ट की तरफ से ही उठाया जाता है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।